नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट आयुष मिश्रा। आज मैं आया हूं आगरा के प्रसिद्ध ब्रांड पंछी पेठा, जो कि 1926 से संचालित किया जा रहा है। इनके जो परदादा हैं दादाजी के टाइम से, और आज मैं इनको एक्सक्लूसिव इनका रूबरू कराऊंगा। यहां पे इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि एक जो पेठा है वो बनता कैसे है, उसकी पूरी प्रोसेस आपको उनकी फैक्ट्री में ले जाके आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ उनके जो ऑनर हैं उनसे भी मैं आपको रूबरू कराऊंगा, उनसे मिलवाऊंगा, उनसे इस जर्नी को पूछूंगा कि ये 1926 से ब्रांड जब चालू हुआ तो कैसा था, और यहाँ तक बनने तक की उसकी जो जर्नी है वो क्या है। ये आप देख सकते हैं कि फ्लेवर ऑल अराउंड पंछी पेठा, जो कि 1926 से स्टार्ट हुआ ये ब्रांड, और आज वो पूरे देश प्रदेश में चर्चे जाना जाता है, पहचाना जाता है। कि इस ब्रांड के संस्थापक हैं स्वर्गीय सेठ श्री पंछीलाल जी, जिनने पहली दुकान खोली थी भगत सिंह द्वार नूरी गेट आगरा 2 में। आप इनको देख सकते हैं, और मैं आपको लेके चलता हूँ इनके जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स हैं पेठा में। बहुत सारी कैटेगरीज हैं, स्वाद हैं, कुछ नया एक फ्लेवर है, वो मैं आपको लेके चलता हूँ। हमारे साथ हैं विजय गुप्ता जी, जो कि हमें बताएंगे कि यहाँ पे कौन कौन से फ्लेवर, कौन कौन सी वैरायटी, कौन कौन सी क्वालिटी में क्या डिफरेंस है, वो हम बताएंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं कि इनके ये पेठा है, ये ड्राई पेठा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ड्राई पेठा है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये आप बिल्कुल ये देख सकते हैं दर्शक हमारे जो हैं, और ये पंछी ब्रांड का ये दालमोट है, जो कि यूपी का बहुत ही प्रसिद्ध दालमोट इसको कहते हैं। और ये कुछ वैरायटीज़ हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मैं विजय गुप्ता जी से भी जानूंगा आपको कि वैरायटीज़ के क्या क्या नाम हैं। तो विजय सर, आप मुझे ये बताएं कि ये जो अपना ड्राई पेठा जो था, तो जब अपनी संस्थापक जी हैं अपने जो सेठ श्री पंछीलाल जी, राइट, तो उन्होंने जो पहला बार जो पेठा बनाया तो क्या वो ड्राई पेठा ही था? ड्राई पेठा ही था, अंगूरी पेठा, ड्राई पेठा। हाँ, अंगूरी पेठा, अंगूरी पेठा और ड्राई पेठा बनाया था सबसे पहले जो पेठा हुआ, जहाँ से ब्रांड की चालू हुई है ना। और उसके साथ साथ क्या दालमोट जो है, आप अलग अलग दालमोट देख रहे हैं क्या, ये भी दालमोट? हाँ, तो क्या वो भी उस टाइम बनाई गई थी या सिर्फ पेठा ने इस ब्रांड को चालू किया था? अच्छा, सादा दालमोट आप बनाते थे, ठीक है। उसके बाद में ये स्पेशल दालमोट बनाई गई। जी, उसके बाद वैरायटीज बनाई गई, पान पेठा है। अब आप ये बताइए हमारे दर्शकों की कौन कौन से पेठे हैं, ये कौन सा पेठा? पान पेठा, पान पेठा। हाँ, और ये गुलाब लड्डू, गुलाब लड्डू भैया। ये पिंक रसबरी, पिंक रसबरी है। ओके, पिंक रसबरी पेठा है। ओके ओके, जी मेलोना। अच्छा, ये है, ये आप इसमें बताएं, ये मलाई लड्डू है। अच्छा, ये मलाई लड्डू है। ओके, ये क्या चॉकलेट पेठा है क्या? अच्छा 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 अच्छा, ये शुगर फ्री है क्या? शुगर फ्री। अच्छा, यहाँ पे देखिए दर्शकों, हमारे जो पंछी ब्रांड है उन्होंने ये भी ध्यान रखा कि भाई जो शुगर के पेशेंट हैं तो वो भी इस पेठे का स्वाद ले सके, तो शुगर फ्री पेठा आपको हम दिखा रहे हैं। तो इसी प्रकार इसमें बहुत सारे आप देख सकते हैं ब्रांड हैं। आप जब भी आएँ आगरा, आपको कभी भी राउंड लगे तो एक बार पंछी पेठा ज़रूर आएँ, जहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटीज़ मिलती हैं, साथ ही साथ दालमोट मिलती, जो कि यूपी और इस ब्रांड की एक स्पेशल दालमोट है, जिसमें आप देख सकते हैं काजू है, बादाम है, और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स हैं। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बोला था कि मैं आपको जो पंछी ब्रांड है, जो पेठा है वो कैसे बनता है, कहाँ बनता है, उसकी प्रोसेस क्या होती है, तो आज मैं हमारे ये साथ में विजय गुप्ता जी हैं, ये हमें फैक्ट्री लेके आए हैं जहाँ पे इनका पेठा बनता है। तो हम आपको अब दिखाएंगे कि पेठा कैसे बनता है, उसकी प्रोसेस क्या होती है स्टेप बाय स्टेप,
और आप यहाँ देख सकते हैं कि पूरी फैक्ट्री है। मैं आपको ये लुक दिखाता हूँ, ये फैक्ट्री आप देख सकते हैं, पूरा प्लांट लगा हुआ है। अभी आपको इसके मैं अंदर का दृश्य भी जरूर दिखाऊंगा। और यहाँ पे देखिए कि ये पैकिंग बॉक्स रखे हुए हैं जिसमें पैक किया जाता है पेठा। ये ऑलरेडी बना के रखा हुआ है इन लोगों ने, ये आप देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं इसकी फैक्ट्री के अंदर। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे दिखाई देता है बॉयलर, जिसके थ्रू पेठा अंदर बॉईल किया जाता है। यहाँ से इग्निशन दिया जाता है। आप ये देख सकते हैं बाहर का ये नज़ारा, मैं आपको लेके चल रहा हूँ। सिलेंडर्स रखे हुए हैं ये, और आप यहाँ कुछ देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि ये, और आप ये देख सकते हैं कि जो भूरा कुम्हरा है, जैसे सफ़ेद कद्दू भी बोला जाता है, कच्चा पेठा भी बोला जाता है, और यूपी में सब लोग इसको भूरा कुम्हरा बोलते हैं जो एक कद्दू के रूप में होता है। और ये देख सकते हैं कुछ थोड़े से पीस बनाए जा रहे हैं, पेठे का प्रिपरेशन किया जा रहा है। अभी हम आपको दिखाएंगे जैसे भूरा कुम्हरा ये होता है, हमारे दर्शकों को हम यहाँ से दिखाना चाहेंगे कि ये भूरा कुम्हरा होता है, इसको हम लोग सफ़ेद कद्दू बोलते हैं। और ये देखिए आप यहाँ पर प्रिपरेशन की जा रही है, ये ऑलरेडी यहाँ पे आधा कट चुका है, और ये देखिए कट रहा है। ये हमारे साथ वीरपाल साहब हैं। सर आप ये क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं इसके बारे में, दर्शकों को बताएं ये क्या प्रोसेस है। ये कच्चा पेठा है, ये कच्चा पेठा है, उसके बाद में इसे काटा जाएगा। हाँ, और उसके बाद में इस साथ से जो निकाला जाएगा ये। चलिए काटिए, हमारे दर्शकों के लिए काटिए। देख लीजिए दर्शक, ये एक्सक्लूसिव है आपके लिए, पेठा कैसे बनता है स्टेप वन। तो वीरपाल जी मुझे ये बताएं, जैसे शेप जैसे देना चाहते हैं तो हमेशा ऐसे ही कटता है क्या पहली बार में पेठा, या अलग तरीके से भी काटते हैं? ऐसे ही कटता है, अलग तरीका होता है वो, जैसे जो जैसा शेप देना होता है वैसा उसको कटिंग किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल। ये देखिए ये साथ, ये क्या है वीरबल जी आपके हाथ में, ये दर्शकों को दिखाएं हाथ में क्या है। इसे जो है हमारी भाषा में तो भोगली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भोगली। भोगली मतलब सांचा। ओके चलिए ठीक है, निकालिए। ओके भाई साहब, ये देखिए ऐसे निकाला जा रहा है, तो आप ये देख सकते हैं। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, अभी अभी एक भूरा कुम्हरा काटा गया था वीरपाल जी की तरफ से, और ये छोटे छोटे इसके क्यूब बनाए आप देख सकते हैं। यहाँ पे टनों में ये भूरा कुम्हरा रखा हुआ है, आपने जो देखा है शेप, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से इसको कटिंग वटिंग किया जाता है। और आइए चलते हैं, देखते हैं, हमारे साथ वीरपाल जी हैं। और दोस्तों ये हम दिखा रहे हैं आपको कि किस तरीके से प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप पेठे को वहाँ से काट के यहाँ तक लाया जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है। हमारे साथ वीरपाल जी हैं। हाँ, उसके बाद मशीन द्वारा बताएं कि ये आप देख सकते हैं कि ये मशीन है, ये कौन सी मशीन है भाई साहब? ये आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे कांटे हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये जो पेठा है, ये आप देख सकते हैं पेठे में यहाँ पे क्या छेद किया जाते हैं ताकि इसके अंदर चाशनी भरी जा सके। ये इस तरीके से जो हमने काट के लाए थे बाहर से, ये ऐसा डाला जाता है।
तो दोस्तों इसके बाद यहाँ पे छेद करने के बाद इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चूने का पानी बनाया जाता है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ रखी हुई हैं, ये चूने का पानी बनाया जा रहा है। सही बोल रहे बीपाल जी हम। और बीपाल जी ये बताइए कि चूना का पानी में क्यों डाला जाता है हमारे दर्शकों को? इसे टाइट किया जाता है। अच्छा, क्या किया जाता है? टाइट किया जाता है। अच्छा, इसे टाइट हो जाए, टाइट हो जाए, ताकि वहाँ पे वो सिकड़े नहीं, सिकड़े नहीं। ओके, उसके बाद यहाँ धुलाई की जाती है। ये जो चूने का पानी तैयार हो रहा है। हाँ हाँ, ये चूने का पानी है, ये चूने का पानी है। ठीक है, चूने का पानी दर्शकों आप देख सकते हैं। और यहाँ पे धुलाई की जा रही है, ये धुलाई, इसमें धुलाई हो रही है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं हमारे भाई हैं, इनका क्या नाम है सर? सुरेश। सुरेश भाई, सुरेश भाई थोड़ा आप चेहरा दिखा दें हमारे दर्शकों के लिए। ये सुरेश भाई हैं और ये बॉयलर है दोस्तों, आप देख सकते हैं फैक्ट्री में ये इस टाइप के बॉयलर होते हैं जिसमें पानी गर्म करके जो पेठा वहाँ से चूने से आया हुआ है उसके बाद इस पेठे को यहाँ पे लाया जाता है और उबाला जाता है। भाई साहब सुरेश भाई आप यूँ जाते हैं कितनी देर तक इसको उबाला जाता है यहाँ पे? 5 से 10 मिनट इसको उबाला जाता है और उसके बाद इस कढ़ाई में ये चूने का पानी है? नहीं, ये साफ पानी है। ये साफ पानी में डाला जाता है और उसके बाद आप देख सकते हैं। ओहो भैया, ये तो बहुत शानदार चीज़ है। एक्चुअली हमें जो पेठा जो मीठा लगता है, जो उसमें मिठास आती है, एक्चुअली ये यही बॉयलर है जो देता है उसे मिठास। इसमें चाशनी और ये जो आप पेठा देख रहे हैं धुला हुआ, इसको लेके आके इसको उबाला जाता है। क्या नाम है भाई साहब आपका? ओमवीर सिंह साहब है जो कि यहाँ पे चाशनी बनाते हैं। आप ये बॉयलर देख रहे हैं, ये देखिए आप, बहुत धुआं है, ये सब आप देख सकते हैं, ये चाशनी बन रही है। ये बॉयलर है, इसमें शक्कर डाल के चाशनी बनाई जा रही है। तो दोस्तों मैंने आपको दिखाया है बॉयलर है जिसमें चाशनी के बाद इस पेठे को निकाल के यहाँ पे डाला जाता है, जिसमें ये अभी केसर पेठा बन रहा है। आप देख सकते हैं ये केसर पेठा बनाया जा रहा है। मैं दर्शकों को ये तीनों दिखा रहा हूँ। और अब भाई साहब बताएंगे यहाँ पे, जो यहाँ पूरा देखते हैं कारीगर हैं, कि इसमें पेठा आने के बाद क्या किया जाता है, आप हमारे दर्शकों को बताएं। ये जो है वहाँ से जो चाशनी तैयार की जाती है जी, और उसमें जो है केसर पेठा तैयार किया जा रहा है। केसर पेठा, और भाई साहब लेकिन हम दर्शकों को थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि मान लीजिए केसर पेठा के अलावा कोई और फ्लेवर आया, जैसे मैंगो का है, पाइनएप्पल है, और जो है स्ट्रॉबेरी है, रोजबेरी, तो उसके लिए क्या करते हैं फिर भाई साहब? उसके लिए फ्लेवर डालते हैं। फ्लेवर डालते हैं, मतलब यहाँ पे जो पेठा है उसके यहाँ पे फ्लेवर डाला जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं बॉयलर, ये बॉयलर से पेठा यहाँ पे लाया जाता है, उसके बाद इसमें फ्लेवर डाला जाता है। ये आप देख सकते हैं फ्लेवर डाला जाता है, और इसमें आप जो खाते हैं बहुत अलग अलग प्रकार के पेठे वो यहीं प्रिपेयर किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। अब आपको लेके जाते हैं कि यहाँ से पेठा कहाँ जाता है जो हमारी दुकान तक पहुँचता है। तो दोस्तों अभी आपने देखा है कि पेठे को फ्लेवर दिया जाता है और उस फ्लेवर के बाद ये जो पैकिंग एरिया है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये पंछी का ओरिजिनल स्टिकर है, क्योंकि बहुत सारा लोग कॉपी भी करते हैं, चोरी भी करते हैं, लेकिन रियल तो रियल ही होता है। ये हमारे साथ भाई हैं, यहाँ भी पैकिंग एरिया है, ये आप देख सकते हैं कि वहां से जो पेठा है वहां पे यहाँ लाया गया, ये पूरा पैकिंग एरिया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे पेठा लाया जाता है, आप देख रहे हैं फ्लेवर वाले पेठे हैं बहुत सारे, ये कोई पान फ्लेवर है, और यहाँ पे सुखाया जाता पेठा, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लेवर वाले पेठे हैं। यहाँ पे माता जी हैं, दीदी हैं हमारी, जो एक हमारे छोटे भाई यहाँ पे पैकिंग करते हैं। तो इस प्रकार ये पूरी प्रोसेस की जाती है, आप देख सकते हैं ये पूरी प्रोसेस की जाती है यहाँ पे। तो उसके बाद डब्बा पैक किया जाता है, डब्बा पैक करने से पहले यहाँ पे प्रिंटर है, जो डिजिटल प्रिंटर है, इसमें ये आप देख सकते हैं भाई साहब को। भैया आपका क्या नाम है? आशीष।
आशीष भैया हैं हमारे जो कि वापस ये यहाँ पे रोलर है, रोलर में स्कैनर होके ये यहाँ पे डल जाता है और आप ये देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ ये इसमें रेट वगैरह जो आप देखते हैं कौन सी डेट में ये बना हुआ है ये सब कुछ इसमें दिखा दिया जाता है। ये डब्बे में इसमें सॉफ्टवेयर के थ्रू नोट किया जाता है चीज़ों को और इसमें प्रिंट कर दिया जाता है कि कौन सा डब्बा कितने रुपए का है, कितना केजी है, कब बना है, बैच नंबर, सारी चीज़ें। इसके बाद पेठा पैक होके इस तरीके के बॉक्सेस में रख दिया जाता है। आप देख सकते हैं वैरायटीज ऑफ पेठे हैं, ये रसबरी है, रोज रसगुल्ला टाइप है, ये बॉक्सेस हैं। तो दोस्तों हमारी पेठा कैसे बनता है इसकी यात्रा यहीं समाप्त होती है। पंछी ब्रांड का पेठा हमने इसको कवर किया कि पंछी ब्रांड में जो पेठा बनता है इतना स्वादिष्ट वो कैसे बनता है। इसके साथ ही साथ हम चाहेंगे आप जब भी आगरा आएँ आप जरूर पंछी ब्रांड के पेठे को टेस्ट करें, इनकी क्वालिटी बहुत ऊपर है, वर्ल्ड में फेमस है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आयुष मिश्रा और मैं आया हूं आगरा एंड हमारे साथ हैं अमित गोयल जी जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पंछी ब्रांड के, जो कि पंछी ब्रांड जो कि आगरा का फेमस पेठा है जो कि 1926 में स्टार्ट किया था अमित जी के दादाजी ने। तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि ब्रांड कैसे यहाँ इस बड़े मुकाम तक पहुँचा, साथ ही साथ ये ब्रांड छोटे ब्रांड से बड़ा ब्रांड कैसे बना। तो अमित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी लाइव न्यूज़ में और हम जानना चाहते हैं सर कि ये जो ब्रांड पंछी 1926 में स्टार्ट हुआ जब लोगों को पता नहीं था कि पेठा क्या होता है, चीज़ें चेंज हुई, तो ये एक जर्नी क्या थी, कैसे चालू हुई, थोड़ा हमारे दर्शकों को इसका बताएं आप। मेरे दादाजी जब 14 साल के थे, टीनेजर थे, तब उन्होंने स्टार्ट किया था अपनी माता जी साथ। तो इट इज वेरी कंसेप्चुलाइज एंड स्टार्टेड एट द टाइम पेठा विद 4 वेरिएंट्स एंड द जो पहले पेठा होता था उसको मुरब्बे के टाइम में खाते थे लोग, देसी खा का पेठा हुआ करता था जो मुगल एम्पायर से चला आ रहा था। उन्होंने 4 वेरायटीज स्टार्ट करी जैसे कि सादा पेठा, अंगूरी, केसर, ये सब 4 वेरायटी। तो उन्होंने सर कंटिन्यू पेठा एक्चुअली में मुरब्बे के अकॉर्डिंग लिया जाता था, जैसे मुरब्बा खाते हैं वैसे पेठा मुरब्बा ही होता था। अब वो मिठाई में जाना जाता है क्योंकि जैसे आप रसगुल्ला खाते हैं बहुत मिठास होती है, अच्छा होता है। तो पेठे को वो इससे बनाते थे जैसे कि उसको एक बहुत शॉर्ट प्रोसेस होता था, लेकिन अब पेठा बहुत लॉन्ग प्रोसेस बनता है, उसको बहुत पकाया जाता है और उसमें काफ़ी जो है वो क्वालिटी बहुत ध्यान रखा जाता है। जैसे हम हर चीज़ प्योर डालते हैं, केसर भी प्योर, हर चीज़ प्योर होता है। तो पेठा एक तरह से फल है, मतलब एक वेजिटेबल प्रोडक्ट है जो एक अपने आप में एक सुपर फूड है, बहुत फ़ायदा करता है। मतलब पेठा तो हर चीज़ में फ़ायदा करता है, हर रोगों में फ़ायदा करता है और ये मुरब्बा भी, और ये आजकल मिठाई के रूप में जो है चला रहा, अब जो इसको लोग जानते हैं। पेठे में जो है अब तो बहुत वैरायटी आ रही है, हमने वैरायटी निकाली, मैंने काफ़ी सीक्रेट रेसिपी डेवलप की हुई है। तो अब तो पेठा समझिए कि पहले उस समय तो कहाँ वो एक ही आइटम बनता था मुगल टाइम पे, तो उन्होंने मेरे दादी ने 4 आइटम निकाले। अब पेठे में मैंने जो है अब आज की तारीख में कम से कम बहुत आइटम 50 आइटम निकाल दी पेठे में, सब सीक्रेट रेसिपी है। जो हमारे यहाँ से लेगा उसको अलग ही टेस्ट दे रहेगा और जो व्यास से पेठा लेगा वो तो हमारे अकॉर्डिंगली निकल करके बन रहा है, लेकिन वो क्वालिटी और टेस्ट नहीं मिलेगा आपको। सर ये जो हमारा ब्रांड है इसकी कितनी ब्रांचेस हमारे दर्शकों को बताएं और ये कहाँ कहाँ अभी अगर कोई लेना चाहता है तो क्या ऑनलाइन भी अवेलेबल है या सिर्फ ऑफलाइन ही ऑप्शन है? सर आप हमारी वेबसाइट पर जाएगा panchipetha.com जिसमें आप WHI यूज करिएगा स्पेलिंग में PANCHI petha.com PETHI.com। तो उस पर आप जाइएगा, उस पर आपको मिल जाएंगे हमारी कितनी ब्रांचेस हैं। हमारी ब्रांचेस तो खैर 10 ब्रांचेस हैं पूरा आगरा में और फ्रेंचाइज भी 2 फ्रेंचाइजी हैं, लेकिन यहाँ पे नकली वहाँ से आप सावधान रहिए, यहाँ नकली पेठा बहुत मिलता है और इसलिए आप जाइए तो आप वेबसाइट चेक करिए, वहाँ दुकान देखिए, तब आप जाइए, तब आप पेठा लीजिएगा। तो सर अभी आप जो वैरायटीज की बात कर रहे थे तो इसमें वैरायटीज कौन कौन सी, कितनी वैरायटीज हम लोग बनाते हैं पेठे में? बहुत वैरायटीज हैं, अब तो समझिए कि 40-50 वैरायटी हैं पेठे में, उसके नाम आपको कहना होगा तो उसको आप देखिए, बहुत वैरायटी जैसे पान है, लड्डू है, सैंडविच है, चॉकलेट है,
डोडा है, डोडा पेटा भी है, काफ़ी वेराइटीज है। सर अभी मैंने देखा था आपके शॉप पर कुछ दाल बोट का भी कॉम्बिनेशन है जो कि दो तीन टाइप्स में है, वो क्या है सर थोड़ा सा? सर ऐसा ना, पेठा और दाल बोट का तो एक सूसी चला रहा है पीपल, तो वो जाते हैं ना लोगों को मिठाई और नमकीन दोनों का जोड़ है पेठा और दाल बोट का, तो दाल बोट हुआ पेठा हुआ, एक तो पेठा दी हुआ दाल बोट, ये हमारा एक तरह से देखा जाए तो एक ट्रेंड है, एक तरह से मार्केट में एक तरह से लोग गिफ्ट करते हैं दूसरे को पेठा दाल बोट। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद एमपी लाइव के साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शकों ये थे हमारे साथ अमित गोयल जी जो कि पंछी ब्रांड के मैनेजिंग डायरेक्टर है। या आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप देख रहे हैं एमपी लाइव, नो फेवर नो फेयर।